इंडिया में जो लोग वोट करने आते हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पुअर लोग ज़्यादा वोट करते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग ज़्यादा वोट करते हैं, और हर सात में से एक इंसान किसी न किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा हुआ है। कॉमन पीपल अपने आप को अटैच करते हैं वोटिंग से, बाकी देशों में ऐसा नहीं है। और यहाँ तक कि हमारे आउटकम्स भी यही कहते हैं कि फेयर इलेक्शंस होते हैं। अभी आ सकता है, हाउ व्हाट डू यू नो फ्रॉम द आउटकम्स? रूलिंग पार्टी अक्सर हार जाती है, इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं, तभी तो जो जीतता है वो हारता है। अगर एक इंसान जीतता जाता है तब डाउट होता है। और यूएसए वगैरह में जो रूलिंग पार्टी होती है वो नहीं हारती। इंडिया में तो आधे से ज़्यादा MLAs हार जाते हैं दूसरे इलेक्शन में, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं कभी कभी वो भी हार जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रूलिंग पार्टी जब हारती है तो मान लेती है अपनी डिफीट, बाकी लोग भी मान लेते हैं, लोग भी मांग लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग क्या कहें कि डिस्प्यूटेड हो वर्डिक्ट, मतलब लोग कहें कि नहीं कुछ गलत हुआ है, लोग मान जाते हैं अपनी जीत हार। तो इसका मतलब है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं। फिर भी हमें सुधार लाने की ज़रूरत है, हम खुश ना होए। जो कैंडिडेट्स और पार्टीज़ के पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो कभी कभी दूसरी पार्टी को तंग करती हैं, ये रोको। जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो क्यों लड़ते हैं इलेक्शन में, ये गलत चीज़ है, ये हमें रोकने की ज़रूरत है। कुछ ही पार्टीज़ जो हैं वो रूल करती हैं, जैसे कि गांधी पार्टी है, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी कैपेबल भी नहीं है तब भी वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, गलत है ये। हमारे पास अगर देखा जाए तो ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। इस बार जब मैं वोट करने जा रही थी तो बीजेपी के अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी, ये गलत है। और जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं बेचारी, वो बिगर पार्टीज़ को कम्पीट नहीं कर पाती।